हेलो गाइस, तो आज फिर मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY लैम्प जो कि मैंने खुद से बनाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है ये इलेक्ट्रिक पाइप जिसमें कि बेसिकली वायरिंग होती है, वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ, मैंने 5.5 फिट यहाँ पर मेज़र किया है क्योंकि मुझे हैंगिंग लाइट बनानी है तो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए। और अब मैं इसको कट कर ले रही हूँ इस ब्लेड की हेल्प से। ये हो गया कट एंड मैं यूज़ कर रही हूँ दो बैंड्स जो कि हैंगिंग होने में काफ़ी हेल्प करेंगे मेरे जो टोकरे हैं उनको। तो इनको मैंने ऐसे फिक्स कर लिया और अब चलिए चलते हैं। बस अब हमें लगाना है इसमें हमारे बास्केट्स को। तो ये है वो बास्केट जिसको कि मैं मेरे हैंगिंग बास्केट के लिए यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर दिया बट ये पेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको पूरा गोल्डन करने वाली हूँ। और ये होल्डर है जिसको कि मैं यहाँ पे फिक्स करूँगी। तो यहाँ पे हम एक ड्रिल कर लेंगे, एक होल बनाएंगे और फिर इसे फिक्स करेंगे। तो हम टीम में बैठ गए हैं काम करने और बस हमारा काम चालू है और हम वायर लगा रहे हैं। ये बहुत ही इजी होता है होल्डर में वायर फिक्स करना, बस नट खोलनी होती है और उसमें वायर को डाल के टाइट कर देना होता है। इतना सिंपल प्रोसेस था, काफ़ी टफ नहीं है ये बनाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि अगर आपको भी कोई आइडिया मिल सके, अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जो कि दिखने में हमारे घर की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है और हमें बताने में भी अच्छा लगता है कि ये हमने खुद से बनाया। तो लोग सोचते हैं वाह, मतलब ये खुद से बनाया जा सकता है सीरियसली। तो यहाँ पे मैं इस वायर को लगा रही हूँ। यहाँ पे एक दो होल्स होते हैं तो इस होल में आपको डालना है वायर को इस तरह से छिल के एंड फिर बस इन नटों को टाइट कर देना। सो सिंपल। बस इतना सिंपल है ये। तो हमारे होल्डर टाइट हो गए हैं, एक साइड का और रह गया, बस इसको भी मैं एक बार टाइट कर लूं। या एंड इट्स डन। तो ये रेडी है मेरा पेंडेंट। ये पाइप है जिसमें कि मैं वायर घुसा रही हूँ। ये मैंने वायर घुसाया, काफ़ी बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे डालने में, ये मेरी हाइट से भी लंबा हो गया था तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसको इस पर हैंग किया। ओ तो ये ऐसा लग रहा है, पर मेरे से एक गलती हो गई। मुझे एक यहाँ पे एक पाइप सा लगाना था थोड़ा सा, लेकिन वो मैं लगाना भूल गई तो मुझे फिर से सारा निकालना पड़ा। और फिर मैंने ये जो है ये बांस है, बैम्बो स्टिक है पतला सा, इसको लगाना था जिसे मैं भूल गई थी। तो मैंने फिर से खोला और फिर से सारे वायर्स को डाला, मतलब मेरी हालत बिगड़ गई थी उस टाइम तो। पर फाइनली मैंने इसे कर लिया। आप देख रहे होंगे मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, कभी इधर कभी उधर जाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि ये मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी इस चीज़ में। यहाँ पे एक होल करके हमने वायर को यहाँ से बाहर निकाल दिया और एक नोट बना दिया जिससे कि वायर स्लिप नहीं करे। तो ये मेरा स्ट्रीट लाइट रेडी हो गया है और अब हम करेंगे इसे पेंट। तो ये मैंने पेंट कर दिया है इसको और मेरा लैम्प रेडी है। अभी मैंने इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया है, मैंने इसे एक ऐसे गमले में फिक्स कर दिया है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे कॉन्क्रीट का बेस बना करके भी उसे डाल सकते हैं और इसका एक स्टैंड बना सकते हैं। अच्छे से सूख गया और मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ मेरा एक कोजी। See it in your eyes. You've seen the moon at its darker side. I can feel the gravity. The forces pull between you and me. Yes, it's true. I'm falling higher for you.
it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, 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 night. Till the stars arise. कॉर्नर रेडी हो गया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये DIY आइडिया कैसा लगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो इस आइडिया को एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।